चीन को तबाह कर देगा भारत का यह फैसला, रूस के मुसलमान ने पुतिन की नाक कटवा दी। दोस्तों ऐसे तो चीन आए दिन भारत को धमकी देता रहता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया है उसने चीन के पूरे खेल को ही पलट दिया। आपको बता दें कि अब भारत के नीति आयोग ने चीन के साथ भारत के ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इस एक्शन प्लान को बनाने के लिए स्टडी भी शुरू हो गई है और यह स्टडी भविष्य में होने वाले जोखिमों से सप्लाई चेन को बचाने पर फोकस करेगी। नीति आयोग ने चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दो स्टडी करने के लिए आवेदन मांगे और यह कदम चीन और भारत के बीच गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद बढ़ते हुए तनाव को देखकर उठाया गया। स्टडी में भारत चीन ट्रेड की सप्लाई चेन को परखा जाएगा, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि कुछ उद्योगों में भारत की सप्लाई चेन में चीन की मुख्य भूमिका काफी चिंताजनक है। स्टडी का मकसद वक्त के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक सही योजना विकसित करना है और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत को उस खतरे से बचाया जा सके जो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टडी के बाद कारोबारी नजरिए से भारत के सामने कुछ बातें साफ हो जाएगी, जैसे कि भारत को सप्लाई चेन में विविधता लाने के तरीके पता चल जाएंगे, साथ ही सप्लाई चेन को ताकतवर बनाने के लिए किन क्षेत्रों की पहचान करना जरूरी है वह भी भारत जान पाएगा और भारत में ग्लोबल सप्लाई चेन को आकर्षित करने के लिए क्या जरूरी सुधार करने चाहिए। और यह सब भारत बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से कर रहा है जिसमें चीन का सबसे बड़ा रोल है। ऐसे में अगर भारत अपने चीन के साथ हो रहे व्यापार घाटे को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो फिर यह आत्मनिर्भर भारत मुहिम की सबसे बड़ी सफलता साबित होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस में रह रहे मुसलमानों ने पुतिन की ही नाक कटवा दी। सबसे पहले आप यह क्लिप देखिए कि यहां क्या कुछ हो रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम लोग यहां सड़कों और एयरपोर्ट पर उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर बेकाबू मुस्लिम लोगों की भीड़ एयरपोर्ट पर यहूदियों को ढूंढ रही थी, सरेआम अल्लाहु अकबर के नारे लगा रही थी। उत्पात मचाती हुई यह भीड़ एयरपोर्ट के अंदर घुस गई और जगह जगह पर घूमकर यहूदियों को ढूंढने लगी और यह घटना आधी रात को रूस के एयरपोर्ट पर हुई और इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक खबर आई कि इजराइल से एक विमान रूसी एयरपोर्ट पहुंचा है, जिसके बाद मुस्लिम लोगों की भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए सीधा एयरपोर्ट के अंदर घुस गई और इन लोगों को टारगेट इजरायली यहूदी थे। यह सभी लोग इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल से गुस्से में हैं और इसी वजह से इन्होंने यह सब उत्पात मचाया है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह भीड़ यहूदी लोगों को चुन चुन कर मारने के लिए बेकाबू हो रही थी और इस दौरान यह लोग रनवे पर दौड़ते दिखाई दिए, एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर और यहां तक कि रनवे पर भी लोग भागते दिखाई दिए। ये लोग यहूदियों को ढूंढ रहे थे, यहां तक कि ये लोग विमानों के ऊपर भी चढ़ गए। किसी तरह से पुलिस अधिकारियों को पूरे एयरपोर्ट को ही बंद करना पड़ा और सभी उड़ानों का रूट बदलना पड़ा। बताया जा रहा है कि इजराइल गाजा पर जिस तरह से लगातार हमले कर रहा है उससे ये लोग नाराज होकर इजरायली लोगों को अपना निशाना बना रहे थे और भीड़ बिल्कुल बेकाबू थी और बैरिकेड तोड़ तोड़ कर पोर्ट के अंदर घुसी जा रही थी। लेकिन पुलिस ने जल्द ही इस पूरे मामले को कंट्रोल अपने हाथों में लिया और एयरपोर्ट पर व्यवस्था बढ़ा दी और एयरपोर्ट से भी सभी तरह के आने जाने वाले विमानों पर रोक लगा दी गई। इस तरह से इस पूरी स्थिति को तुरंत ही संभाल लिया गया। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 57 इस्लामिक देश से अकेले भिड़ेगा भारत? कश्मीर पर 57 मुस्लिम देशों ने उगला जहर। हमास जंग में भारत को मिली सबसे बड़ी जीत, बर्बाद हुआ कतर। दोस्तों अब एक बार फिर से 57 मुस्लिम देशों ने कश्मीर के खिलाफ जहर उगला है। जी हां, इस्लामी देशों के संगठन OIC ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है और OIC के महासचिव ने हाल ही में जारी किए गए बयान में कहा कि 27 अक्टूबर 2023 को कश्मीर पर भारत के कब्जे के 76 साल पूरे हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के विवाद को हल करने के लिए OIC राष्ट्रीय समुदाय समेत राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत ठोस कदम उठाने का आह्वान दोहराता है।
OIC ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर उनके साथ है। इस्लामिक शिखर सम्मेलन और OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक के निर्णय और प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए OIC के प्रवक्ता ने भारत से जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक मानव अधिकारों का सम्मान करने का आग्रह किया है। साथ ही 2019 को जम्मू कश्मीर में खत्म किए गए अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने की मांग की है। हालांकि यह पहली बार नहीं जब OIC ने भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगला है। OIC लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता आया है और इससे पहले भी वे भारत से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग कर चुका है। साथ ही कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को भी रोकने की मांग कर चुका है। ऐसे में OIC के बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। भारत OIC को कई बार आग्रह कर चुका है कि वह पाकिस्तान के एजेंडा को आगे ना बढ़ाए, लेकिन तब भी यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लेकिन अब की बार भारत इसे छोड़ने वाला नहीं है और इसके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई करने वाला है। इसके अलावा अब हमास आतंकियों पर पैसा बहाने वाले कतर को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, क्योंकि भारत ने अब ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद कतर और कुछ दूसरे मुस्लिम देश मुश्किल में पड़ गए हैं। आपको बता दें कि कतर ने हमास के जरिए इजराइल पर हमला तो किया ही, लेकिन इन सब के निशाने पर भारत से यूरोप जाने वाला इकोनॉमी की कॉरिडोर भी था। कतर तो खास तौर पर चाहता था कि यह कॉरिडोर बन ही जाए, लेकिन भारत के ऐलान ने सभी देशों को हैरान कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी और एस जयशंकर ने बताया कि इस कॉरिडोर पर काम शुरू कर दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत की तरक्की के लिए यह कॉरिडोर बेहद जरूरी है और इस कॉरिडोर के तहत आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया है। यानी इजराइल हमास जंग के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। कतर जैसे देश का मानना था कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करवा देगा, सऊदी अरब और UAE को मालामाल कर देगा, यहां तक कि भारत को भी ग्लोबल पावर बना देगा, इसलिए इस कॉरिडोर को रोकना जरूरी है। लेकिन भारत विरोधी इन सभी देशों के सारे षड्यंत्र चकनाचूर हो गए हैं। भारत ने इस कॉरिडोर को शुरू करने का ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब इजराइल ने हमास पर अपने हमलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में इस कॉरिडोर पर अपना काम शुरू करके भारत ने कई मुस्लिम देशों की दुकानों को बंद कर दिया, क्योंकि इन मुस्लिम देशों की दुकान इजराइल और फिलिस्तीन जंग को भड़का कर चलती है। फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा फंडिंग सऊदी अरब से ही मिलती है, लेकिन भारत के इस कॉरिडोर का मतलब यह है कि इजराइल और सऊदी अरब को दोस्ती करनी होगी। कुछ मुस्लिम देशों को लगा कि अगर इस कॉरिडोर के चक्कर में सऊदी अरब और इजराइल करीब आ गए तो कट्टर जिहाद से होने वाली कमाई रुक जाएगी, इसलिए मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच लड़ाई करवाने के लिए हमास को चुना और उनका मकसद यह था कि जब यह लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो सऊदी अरब अपने आप को इस कॉरिडोर से बाहर कर लेगा। लेकिन भारत और अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेसी के चलते सऊदी अरब और इजराइल के बीच दरार नहीं आने दी, जिसका नतीजा यह निकला कि भारत ने इस कॉरिडोर का काम अब शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।